नमस्ते स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस एंड सीरीज की फाइनल मिसलेनियस एक्सरसाइज हम फाइनली आज खत्म कर देंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने 13 तक देखा था, आज हमें 14th क्वेश्चन से देखना है। 14th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। एस बी द सम मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक जीपी है, ए आर ए आर ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू लास्ट टर्म क्या होगा उसका, ए आर एन माइनस वन। एस क्या है हमारे पास? एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन उसमें था अपना, क्या बोलते हैं, एपी वाले में, बराबर है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बराबर है। इसको नंबर वन करके छोड़ देते हैं। पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी मतलब क्या होगा वो हमारा, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी मतलब पी इज इक्वल टू ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर नेक्स्ट टर्म विल बी ए आर क्यूब अप टू कहाँ पे जाएगा, ए आर का पावर एन माइनस वन। अब आप देख सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, हर एक टर्म में ए है, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर फोर इंटू ए लास्ट तक, तो वो कितना हो जाएगा, ए का पावर एन। अब रही बात आर की, तो देखो आर का यहाँ पे पावर वन, यहाँ पे पावर टू, यहाँ पे पावर थ्री प्लस लास्ट टर्म का पावर एन माइनस वन होगा। अब अगर आप इसमें चेक करोगे तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा। बट यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है, लास्ट टर्म है एन माइनस वन, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एन माइनस वन एन की जगह पे एन माइनस वन प्लस वन बाय टू, समझ रहे हो, एन की जगह पे एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, एन एन माइनस वन बाय टू। सो आप चाहे तो वो एपी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज ये पूरी एपी बन रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए रेस टू एन आर रेस टू एन एन माइनस वन बाय टू, ठीक है। और तीसरा आर क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ आर इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब वन बाय ए प्लस वन बाय ए आर प्लस वन बाय ए आर स्क्वायर टू वन बाय ए आर एन माइनस वन। अब उसमें से आप वन बाय ए कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, वन बाय ए कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में बचेगा इधर वन प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर अप टू वन बाय आर एस टू एन माइनस वन, तो वन बाय ए। तो देखो ये जीपी बन रही है, आर आर वन आर आर स्क्वायर भी जीपी होती है, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, जीपी होता है, फॉर श्योर नक्की है, बराबर है, क्लियर हो गया। तो आप इसके जीपी के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा वन, कॉमन रेशियो क्या होगा वन बाय आर, वन बाय आर का पावर एन माइनस वन अपॉन नीचे क्या होगा वन बाय आर का वन बाय आर माइनस वन। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय ए, इसको मैं लिख सकता हूँ वन का पावर एन मतलब वन अपॉन आर का पावर एन माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा वन बाय आर माइनस वन। इसको मैं अगर सिंपलीफाई करूँ तो देखो एलसीएम ले लो तो वन माइनस आर का पावर एन नीचे क्या आ जाएगा, आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर अपॉन आर, तो वन बाय ए, दोनों में देखो माइनस कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, आर का पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब देखो इन दोनों को कट करोगे तो क्या बचेगा, वन बाय आर का पावर एन माइनस वन बचेगा, बराबर है, क्या हो जाएगा वन बाय आर का पावर एन माइनस वन।
ये देखो आर का पावर एन और आर दोनों को कट कर दोगे तो क्या होगा, वन बाय आर का पावर एन माइनस वन हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ, ये हमारा क्या निकला, आर निकला। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है पी स्क्वायर आर एस टू एन इज इक्वल टू एस एस टू एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल एच एस पार्ट लेंगे, पी स्क्वायर इंटू आर एस टू एन। पी स्क्वायर मतलब देखो आपका पी क्या निकला, ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, ए रेस टू एन आर एस टू एन एन माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर इंटू आर, ये आपका आर निकला, वन बाय ए क्या है, आर एस टू एन माइनस वन आर माइनस वन, आर एस टू एन माइनस वन आर माइनस वन इंटू वन बाय आर एस टू एन माइनस वन, वन बाय आर एस टू एन माइनस वन होल पावर एन। देखो ये पावर दोनों को लगेगा तो ए क्या हो जाएगा, ए रेस टू टू एन, इसको भी पावर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, आर एस टू एन एन माइनस वन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन का पावर वन, ये क्या हो जाएगा ए रेस टू एन, ये हो जाएगा आर एस टू एन माइनस वन का पावर एन, ये हो जाएगा आर माइनस वन का पावर एन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर एस टू एन इंटू एन माइनस वन, वन का पावर एन ये होगा आर आर एस टू एन माइनस वन इंटू एन पावर का पावर ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसल। अब देखो ए का पावर टू एन और ए का पावर एन डिवाइड में है तो ये क्या बचेगा, ए का पावर एन आर एस टू एन माइनस वन का पावर एन अपॉन आर माइनस वन का पावर एन, सब में से कॉमन क्या निकालूंगा मैं, एन ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का पावर एन, और ये आपका क्या हो रहा है, एस एस का पावर एन विच इज इक्वल टू आर एच। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एच क्यू एच एंड आर टर्म ऑफ ए बी आर ए बी सी ऑफ ए पी ए पी आर ए बी सी शो दैट इट इज दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पी एच टर्म आपका क्या होता है फॉर्मूला, अब देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, पी एच टर्म उसको मैं ए प्लस पी माइनस वन डी लिखूं और उसको मैं ए लिखूंगा क्योंकि स्मॉल है, ये हो गया नंबर वन। क्यू एच टर्म को क्या लिखूंगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी, ये हो गया नंबर टू। और आर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, ये हो गया नंबर थ्री। अब आप फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू चेक करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ए और ए कट हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग तो ए और ए कट हो जाएगा, क्या होगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बराबर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी बाय पी माइनस क्यू, तो मैं नंबर फोर दे दूं। सिमिलरली फ्रॉम टू एंड थ्री सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, q माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस वन, तो इसमें से हमें d की वैल्यू निकालनी है तो q माइनस आर नीचे जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन q माइनस आर, ये हो गया नंबर फाइव। अब बोलोगे सर हम इसको अप्रोच कैसे करें, तो बेटा ये बात तो सही है, आपके पास ए पी ए क्यू और ए आर है, सब्ट्रैक्ट कर दो डी डी निकल जाएगा, देखो अब दोनों डी है तो फ्रॉम फोर एंड फाइव, फ्रॉम फोर एंड फाइव दोनों डी है, ये वाला डी कितना है, ए माइनस बी बाई पी माइनस क्यू, तो ये वाला डी कितना है, पी माइनस सी बाय क्यू माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए माइनस बी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये किससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक सिंपल सी बात है तो ये क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू बी पी माइनस सी पी माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, ओके माइनस बी क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रूव करना है ए कॉमन निकालना है, तो सबको इस साइड लेके आओ,
बराबर है। इसमें से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ, ए क्यू माइनस ए आर प्लस बी आर माइनस बी पी प्लस सी पी माइनस सी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ए कॉमन क्यू माइनस आर, पी कॉमन तो आर माइनस पी, सी कॉमन तो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल था, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटू वन बाय बी प्लस वन बाय सी, बी इंटू वन बाय सी प्लस वन बाय एन, सी इंटू वन बाय प्लस वन बाय बी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। ए वन बाय बी प्लस वन बाय सी, बी वन बाय सी प्लस वन बाय ए, एन सी वन बाय ए प्लस वन बाय बी आर इन ए पी। ए पी का रूल क्या होता है, टू टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टू टाइम्स मिडल टर्म है, बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और ये जो ए है उसको इस साइड लेके आऊंगा, इज इक्वल टू सी को इधर ही रखूंगा, और ये प्लस बी दूसरी बार था, टू टाइम बी था, दूसरी बार बी को इधर लेके आऊंगा। इसका एलसीएम ले लो, ए प्लस सी बाय ए सी। इसका एलसीएम ले लो, बी प्लस सी बाय बी सी। इसका एलसीएम ले लो, ए प्लस बी बाय ए बी। इसका एलसीएम ले लो, ए प्लस सी बाय ए सी। अब देखो, मैं इसको ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बी स्क्वायर ए प्लस सी बाय ए बी सी। इसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए स्क्वायर बी प्लस सी बाय ए बी सी। सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, सी स्क्वायर ए प्लस बी बाय बी सी। बी से मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर ए प्लस सी बाय बी सी। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सब कैंसिल हो जाएंगे, सो बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, एंड बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी। अब सबको ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए, लिख लो पहले इतना, तो फिर फटाफट से कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी, इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी। देखो इसको और इसको, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, इनको दोनों को साथ में रखा। अब देखो वापस यहाँ पे सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, इन दोनों को साथ में रखा, प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ए बी, यहाँ पे बचेगा बी माइनस ए, यहाँ पे कॉमन निकलेगा सी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी माइनस ए और बी प्लस ए, इधर ए कॉमन मतलब सी माइनस बी सी प्लस बी, यहाँ पे बी सी कॉमन तो सी माइनस बी। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बी माइनस ए, यहाँ पे बचेगा ए बी, यहाँ से बी माइनस ए निकल गया तो सी इंटू बी प्लस ए बचा, मतलब सी बी प्लस सी ए, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सी माइनस बी, तो यहाँ पे ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और ये दोनों सेम है इसलिए हो जाएंगे कट, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस बी उधर लेके आओ टू बी, ए उधर लेके आओ ए प्लस सी, देयरफॉर ए बी सी आर इन ए पी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, If A, B, C, D are in GP, prove that it is in GP. तो देखो A, B, C, D are in GP. इसका मतलब पहला तो ये तीन भी GP होंगे, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, B square is equal to AC number one. C, B और D का बीच वाला है, मतलब मैं लिख सकता हूँ C square is equal to BD number two.
और तीसरा क्या लिख सकता हूँ कि भैया एक सिंपल सी बात है, क्या होगा, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी, इन दोनों को मैं यूज कर दूं पहला तीसरा को, तो क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। नंबर थ्री, पहले हमने 1 2 यूज किया, फिर 2 3 यूज किया उसे 2 मिला, और 1 3 यूज किया उसे 3 मिला। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब फॉर ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन कॉमा बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन कॉमा सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन टू बी इन जीपी, क्या होना चाहिए, बीच वाले का स्क्वायर बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर हम आरएचएस पार्ट लेते हैं, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन इंटू सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन, मल्टीप्लाई करो ए एन सी एन बी एन सी एन ए एन डी एन और बी एन डी एन, बराबर है। अब मैं यहाँ पे ए रेस टू एन सी ए रेस टू एन इंटू सी रेस टू एन को एज इट इज जोड़ रहा हूँ, बी एन सी एन को एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इस ए रेस्ट एन डी रेस्ट एन की जगह पे फ्रॉम 3 क्या लिख सकता हूँ, बी रेस्ट एन सी रेस्ट एन फ्रॉम 3, और बी डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे एल एच एस से आर एच एस की तरफ जाते हैं, एल एच एस से आर एच एस की तरफ जाते हैं, सो एल एच एस पार्ट लेते हैं, बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन का होल स्क्वायर मतलब बी रेस टू टू एन, बी रेस टू एन का स्क्वायर टू बी रेस टू एन सी रेस टू एन और सी रेस टू एन का स्क्वायर। बी रेस टू एन क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बी स्क्वायर का पावर एन टू बी रेस टू एन सी रेस टू एन और सी स्क्वायर का पावर एन। अब देखो बी स्क्वायर का पावर एन मतलब ये क्या हो जाएगा, ए सी का पावर एन, ये हो जाएगा बी रेस टू एन सी रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन सी रेस टू एन, और सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी का पावर एन। अब देखो ये तो ए रेस टू एन सी रेस टू एन हो जाएगा, ये बी रेस टू एन सी रेस टू एन एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इस बी रेस टू एन सी रेस टू एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी फ्रॉम 3 ए रेस टू एन डी रेस टू एन, और इस बी डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बी डी की जगह पे मैं एज इट इज बी रेस टू एन डी रेस टू एन लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में से पहले दूसरे में से क्या कॉमन निकलेगा, पहले दूसरे में से कॉमन निकलेगा सी रेस टू एन, तो अंदर बचा ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, सिमिलरली दूसरे में से क्या कॉमन निकला, डी रेस टू एन, तो डी रेस टू एन, तो क्या निकला, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन। अब देखो दोनों में क्या कॉमन निकला, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन और सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन विच इज इक्वल टू अवर आर एच एस, हेंस वी कैन से दैट ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन एंड सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन आर इन जी पी, ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन जल्दी से। आगे बढ़े, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। अब देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ दिस वेयर ए बी सी डी फॉर्म्स अ जीपी, प्रूव दैट क्यू प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17:15। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 ए एंड बी आर रूट्स, तो ए एंड बी आर रूट्स मतलब सम ऑफ रूट्स हुआ, ये किसकी तरह काम करेगा, सम ऑफ जीरो की तरह, क्या उसका फॉर्मूला, माइनस बी बाय मतलब माइनस ऑफ माइनस 3/1 ये हो गया 3, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरह काम करेगा ए बी सी बाय मतलब पी बाय वन इज इक्वल टू पी हो गया, इसको मैं नंबर वन नाम देता हूँ। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 सी एंड डी आर रूट्स,
सी प्लस डी क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 12 बाय 1 12, सी डी क्या होगा q/1 इज इक्वल टू q, हो गया नंबर 2 बराबर। अब देखो ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी आर इन जी पी, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी सी डी आर इन जी पी, तो मतलब ए को मैं मान लूंगा x, बी को मानूंगा एक्स आर, सी को मानूंगा एक्स आर स्क्वायर और डी को मानूंगा एक्स आर क्यूब, ये चार टर्म्स हो गए, क्लियर हुआ। फ्रॉम वन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एक्स आर इज इक्वल टू कितना था, 3 था, एक्स कॉमन 1 + r इज इक्वल टू 3 बराबर। फ्रॉम टू सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 था, अब एक्स आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + r इज इक्वल टू 12, डिवाइडिंग बोथ, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 3, इसको नाम दे रहा हूँ 4, डिवाइडिंग बोथ 3 and 4, तो क्या हो जाएगा x 1 + r अपॉन x r स्क्वायर 1 + r 3/12, 1/r² इज इक्वल टू 1/4, therefore r² इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू प्लस माइनस 2, ओके okay? और उसको आगे हमें तो देखो r ही मिला, तो फ्रॉम 3 x इंटू 1 + r इज इक्वल टू 3 है। अब फ्रॉम 3 में दो केस है, पहला केस इफ r इज इक्वल टू 2 तो x इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 1, एंड केस टू भी है उसमें कि इफ r इज इक्वल टू -2 तो x 1 - 2 इज इक्वल टू 3, x इंटू -1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3 बराबर है। तो r 2 x 1 मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, p q प्लस p अपॉन q माइनस p बराबर है, तो हमारा q क्या निकला था आगे चेक करो, q क्या निकला था cd और p क्या निकला था ab, therefore q इज इक्वल टू cd, cd मतलब क्या होगा xr square into xr cube, 1 into 2 का square 9, 1 into 2 का cube 27, 27 9 जा कितना होगा, 27 9 जा 3 क्यों डाल रहा हूँ मैं, फुट 2 करना है ना, r 2 निकला अपना, सॉरी, सो 4 और 8 मतलब हो गया 32, और p क्या निकलेगा ab, x into xr मतलब 1 into 1 into r मतलब ये हो गया 2 बराबर है, क्लियर हुआ। therefore q plus p कितना होगा 34 and q minus p कितना होगा 30, therefore q plus p upon q minus p 34/30, 2 से कट करो 17/15, और इस केस में भी आप सिमिलरली ऐसे ही फाइंड करोगे, ठीक है, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, ओके, द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज एम रेशियो एन, for two numbers a and b am is equal to a plus b by 2 gm is equal to under root ab, according to question kya diya hua hai, am by gm is equal to m ratio n, am kya hoga a plus b by 2 aur gm kya hoga under root ab is equal to m ratio n, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 2 ए बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, 4 ए बी हो जाएगा, 2 नहीं 4 ए बी, उसको ऊपर भेज दो,
therefore a plus b whole square is equal to 4ab m square by n square. तो इसमें से a plus b क्या निकलेगा, उस साइड जाएगा, so 2 under root ab m by n को नंबर वन करके छोड़ दें. आपको एक और फॉर्मूला पता है, a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. देखो a plus b whole square है, क्या है 4ab m square by n square minus 4ab. LCM ले लो, 4ab m square minus 4ab n square whole upon n square. 4ab common, m square minus n square by n square. ओके, ये क्या निकला आपका a minus b whole square. तो therefore सिर्फ a minus b क्या निकलेगा, 4 का 2 under root ab under root m square minus n square upon n. ये निकला 2. अब आप चेक कर लो, इतना लिख लीजिए, फिर 1 और 2 को ऐड करो तो प्लस b माइनस b उड़ जाएंगे. सो एडिंग 1 एंड 2 सो प्लस माइनस b उड़ जाएंगे. अब देखो ये क्या आपका 2 रूट ab बाय 2 रूट ab m बाय n 2 रूट ab m बाय n प्लस 2 रूट ab अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n. तो 2 कॉमन निकालो, इधर क्या निकलेगा 2 रूट ab बाय n कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. 2 2 कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू अंडर रूट ab बाय n m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सिमिलरली ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 सो b की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ए बी बाय एन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. तो देयरफॉर a रेशियो b दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. हमें फाइंड क्या करना है, हाँ बराबर है वही फाइंड करना, बराबर है रेशियो m प्लस रेशियो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन. ओके ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है, तो ये अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी कट, एन एन कट, बचेगा सिर्फ यही, और हेंस आपको यही प्रूव करना था. क्लियर हुआ बेटा, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे. चलो क्या दिया हुआ है, अब इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म नंबर 1, बी सी डी आर इन जी पी, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी नंबर 2, तीसरा 1 बाय सी 1 बाय डी 1 बाय ई आर इन ए पी, मतलब 2 टाइम्स बीच वाला टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया नंबर 3. ठीक है बराबर. अब फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 नहीं फ्रॉम 2 b की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर बाय डी, या d की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, d की वैल्यू है सी स्क्वायर बाय बी, d की वैल्यू सी स्क्वायर बाय बी, तो देखो यहाँ पे d है उसके यहाँ पे सी स्क्वायर बाय बी डाल सकता हूँ, पुट इन 3. ठीक है, क्योंकि देखो आपको ए सी को जीपी में प्रूव करना है, तो ये टर्म तो ई वाला टर्म तो चाहिए, मतलब 3 इनपुट करोगे, आपको ए सी चाहिए मतलब डी को उड़ाना पड़ेगा, डी को उड़ाने के लिए मैं क्या डाल दूंगा, सी स्क्वायर बाय बी, तो 2 इंटू 1 बाय डी की जगह पे सी स्क्वायर, तो बी ऊपर चला गया इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय. अब देखो ये क्या बचा, 2 बी बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय. फ्रॉम 1 2 बी की जगह पे क्या डाल सकते हैं, ए प्लस सी बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, e प्लस सी बाय सी ई, सी सी कैंसिल, ए प्लस सी बाय सी इज इक्वल टू ई प्लस सी बाय ई, ऊपर लेके जाओ, ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू सी ई प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी ई आर इन जी पी, तभी तो देखो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हो गया. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये. हाँ पक्का, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क है आपको, सेकंड पार्ट करा दो कि फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया। क्या है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। अब इसमें सबसे पहला स्टेप तो वही है, 6 कॉमन, 0.1 0.11 0.111 0.4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9 तो 0.9 0.99 0.999 0.4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। तो ये 6/9 आपको मुझे पता है कट होगा बट मैं नहीं करूंगा। 0.9 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.1, ये 1 माइनस 0.01, ये 1 माइनस 0.01 एंड सो ऑन। 6/9 फर्स्ट टर्म में देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड माइनस कॉमन 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस सो ऑन। अभी देखो ये जीपी बन रहा है, एग्जाम में मत लिखना आपके लिए, ये पूरा क्या बन रहा है जीपी, जिसमें ए क्या है 0.1, रेशियो भी क्या है 0.1। तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ फॉर्मूला ही डालना है, पहले इतना लिख लीजिए, फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 6/9 एन माइनस ए का वैल्यू 0.1, फिर फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r, s इज इक्वल टू 6/9 एन माइनस 0.1 और ये हो गया 0.9, 1 माइनस 0.1 का पावर n, पॉइंट हटा दोगे तो आपका आंसर निकला 6/9 एन 1/9 निकलेगा, दैट इज 1 माइनस 0.1 का पावर n होल अपॉन 9, ये आपका आंसर। सिंप्लीफाई करके आप n से मल्टीप्लाई करो और बाहर निकाल दो, ये भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 n माइनस 1 माइनस 0.1 का पावर n होल डिवाइड बाय 9, ये भी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। किसी उस प्रॉब्लम, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो और कुछ भी कर सकते हो, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट ये सही रहेगा। आगे करें, 6 क्वेश्चंस बाकी हैं, जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सीधा 27 पे इसलिए आएंगे क्योंकि बीच वाले हैं ना वो सारे सम और सीरीज वाले हैं जो आपको कट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन है, अ फार्मर बायज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, ही पेज ₹6,000 कैश, मतलब ₹6,000 उसने कैश ने भर दिए, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ₹12,000, अमाउंट पेड इन कैश इज इक्वल टू ₹6,000, टोटल अनपेड अमाउंट, कितनी अमाउंट बाकी है 6,000 रुपये। अब उसने क्या बोला कि फिर वो जो है हर बार एनुअल इंस्टॉलमेंट 500 का और प्लस 12% इंटरेस्ट भरेगा, क्या भरेगा 500 का और जितना रिमेनिंग होगा 12% इंटरेस्ट किस में, अनपेड अमाउंट में। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरेस्ट पेड क्या होगा पहला, तो 12% ऑफ किसका, 6,000 का। अब देखो उसने ₹500 जब भरा तब कितना बचेगा, टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू 6,000 प्लस, अब ₹500 भर दिया तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितने का बचेगा, 5,500 का, प्लस नेक्स्ट मंथ वापस उसको 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा किसका, 5,000 का, प्लस 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा किसका, 4,500 का, और ऐसा सो ऑन, और लास्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा किसका, 500 का, क्योंकि फिर जब 500 ही बाकी रहेंगे तो फिर 500 का ही 12% भरेगा और फिर तो खत्म हो जाएगा, मतलब वो हर महीने 500, देखो क्या करेगा वो, एंड ही एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। अब वो ₹500 तो भरेगा ही,
बट साथ में अनपेड अमाउंट कितना था 6,000, तो उसका 12% इंटरेस्ट बढ़ा। अब प्लस नेक्स्ट मंथ वापिस 500 भरेगा, प्लस 12% क्या करेगा 5500 का, क्योंकि 500 तो उसने ऑलरेडी दे दिए थे, तो अब उसको कितना का इंटरेस्ट बनना है 5500 का। तो इसमें से देखो 12% सब में से कॉमन निकालूंगा ऑफ का, तो ये क्या होगा 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 प्लस डॉट 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 अपॉन 5 प्लस अप टू 500। अब ये पूरा क्या बन रहा है आपका, ये पूरा बन रहा है आपका एपी। मैं अभी सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एपी बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 12% ऑफ। अब इस एपी में, इस एपी में आपका, इस एपी में आपका फर्स्ट टर्म कितना होगा 6000, डी कितना होगा आपका माइनस 500, एन नहीं पता। अब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एन ही ढूंढना है। सो एन ढूंढेंगे, एन ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्म डालूंगा। ए एन मेरा लास्ट टर्म है 500, ए है मेरा 6000 रुपये, प्लस एन माइनस वन डी है मेरा माइनस 500, क्योंकि हर बार माइनस हो रहा है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस 6000, तो माइनस 5500 इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू माइनस 500, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 11 इज इक्वल टू एन माइनस वन, देयरफॉर एन की वैल्यू 12। अब एन की वैल्यू 12 आ गई तो अभी अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, बराबर है। अब क्या करना है, therefore इंटरेस्ट की बात चल रही है अब तक, तो सिर्फ 12% ऑफ वो जो पूरा एपी बना था उसमें सम का फॉर्मूला क्या होगा 12/2 ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म क्या था उसका 6000 और लास्ट टर्म क्या था उसका 500, इसको और इसको कट करोगे 6 हो जाएगा, 12% मतलब 12/100 इंटू 6 इंटू ये क्या होगा 6500, इसको कट मार दो, 12/6 = 72, 72 + 72 × 65 इसका आंसर आएगा 4680 रुपीस, बराबर है, क्लियर हुआ। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर 6000 रुपये उसने पहले कैश भरे, 6000 रुपया रिमेनिंग अमाउंट और 4680 रुपीस उसका क्या होगा इंटरेस्ट, कैश रिमेनिंग अमाउंट और इंटरेस्ट, तो कितने में पड़ा 16,680 रुपीज में, बराबर है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप बोलो सर ये 6000 कहाँ से आया, तो 6000 बाकी है वो तो भरने पड़ेंगे, बट साथ में वो इंटरेस्ट भर रहा है इसलिए उसको इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, डन। नेक्स्ट, शमशेद अली बायज अ स्कूटर फॉर ₹22,000, ही पेज ₹4,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट। अब वहाँ लास्ट क्वेश्चन में 500 और प्लस 12% था, यहाँ पे 1000 प्लस 10% है, 22,000 में से 4,000 कैश भर दिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा 18,000 का उसको भरना पड़ेगा, समझ रहे हो, 18,000 भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ट्राई बाय योरसेल्फ, एक क्वेश्चन ही सिर्फ, ठीक है, बाकी मुझे करवाने पड़ेंगे थोड़े अलग अलग टाइप के, समझ में आ गया बेटा। ट्राई कर सकते हो ना, जो हमने अभी किया वो ट्रैक्टर वाला, उसके अब स्कूटर सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, ओके, हाउ मच विल स्कूटर कॉस्ट हिम। नेक्स्ट, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब एक बंदा है वो 4 को लिख रहा है। अब ये बंदा क्या करेगा, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू डिफरेंट 4 पर्सन, ये 4 को लिख रहा है, ये 4 को लिख रहा है, ये 4 को लिख रहा है, 4 को लिख रहा है, फिर वो उसको बोलेगा और तुम 4 को लिखो, ये भी और तुम 4 को, कितने तक, 8th सेट तक, कितने तक, 8 सेट तक, मतलब 8 बार ऐसा वो करेंगे सब लोग मिलके। तो मतलब पहले बंदे ने कितना लिखा, नंबर ऑफ लेटर, पहले बंदे ने 4 लेटर लिखा, उसने फिर और 4 को लिखने को दिया, 4² हुआ, फिर उसने फिर और 4 को लिखने को दिया तो 4³ हुआ, फिर उसने और 4 को लिखने दिया, 4⁴ हुआ, और लास्ट में कितने तक हो जाएगा, 4⁸ तक हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या हो गया 4, कॉमन रेशियो क्या हो गया 4, और एन की जगह पे क्या हो गया 8। तो कितने लेटर्स भेजे उन्होंने, तो ए का पावर आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए 4, 4 का पावर 8 माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन, 4, 4 का पावर 8 होगा आपका 6, 5, 5, 3, 6 माइनस वन अपॉन 3,
सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 87380। ठीक है, इतने लेटर्स मेल किए गए और हर एक का कॉस्ट 50 पैसा है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेटर इज इक्वल टू कितना होगा, 50/100 इंटू 87380, मतलब हाफ रुपया हुआ 87380, मतलब कितना रुपीज होगा, 43690 रुपीज लगेंगे इतने मेल भेजने में। आया समझ में, क्लियर हुआ? ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अभी 30th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, 30th, 31 और 32 चार ही बाकी है। अमाउंट डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। तो 15वें साल में उसको कितना डिपॉजिट हुआ होगा वो, और 20 साल में टोटल फाइंड करना। सबसे पहले इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना मिलेगा, 5% ऑफ 10,000। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 5% ऑफ 10,000। बताओ 5% ऑफ 10,000 कितना होगा बेटा, 500 रुपीज होगा। सो अमाउंट इन द 15th ईयर हमें फाइंड करना है, अमाउंट इन द 15th ईयर मतलब उसे 10,000 रुपए तो उसने जो जमा करवाए वो, प्लस 500 कितने टाइम्स होंगे, 500 प्लस 500 प्लस 500 कितने टाइम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 टाइम्स हैं। तो इन द 15th ईयर की बात चल रही है तो 15वें साल में उसमें इतने हो जाएंगे। तो 15th ईयर का देखो, पहली ये 10,000 उसने जब जमा करवाया वो, पहले साल का एक ही बार 500 मिलेगा ना, जैसे ही जमा कराया तो 500 तो मिलेंगे नहीं, मतलब पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है, चौथे साल का। तो 15th ईयर के लिए अमाउंट इन द 15th ईयर, एट द एंड ऑफ 15th ईयर नहीं बोला है, एट द एंड ऑफ 15th ईयर होता तो ये 500 और 15th ईयर, 15th ईयर मतलब जैसे 14th ईयर एंड हुआ और 15th ईयर स्टार्ट हुआ, बराबर है। ऐसे हमारे बर्थडे के साथ भी होता है, तो 21st ईयर कंप्लीट होते तो हम बोले 22 हमको बैठा ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 14 5 7,000, तो आंसर कितना आएगा, 70,000 रुपीज। और क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। After 20 years, देखो after 20 years की है तो 10,000 तो उसने जमा करा है, अब 20 साल तक उसे 500 रुपए मिलेंगे after 20 years, 20 year के end पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manufacturer reckons that the value of a machine which cost him ₹15,625 will depreciate each year। अब देखो, आप कोई भी चीज लेते हो ना, एक साल के बाद उसका डेप्रिशिएशन होता है, डेप्रिशिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, कितना परसेंट कम होगी, 20%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, इनिशियली मशीन कितना है, कितना है, 15625 रुपीज का। सो डेप्रिशिएशन उसका 20% हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू 20% ऑफ वैल्यू। 20% मतलब कितना, 4/5 ऑफ वैल्यू हो जाएगा। सो आफ्टर द 5 ईयर्स मतलब क्या होगा, वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब उसकी वैल्यू 15625 है, पहले साल के एंड पे 4/5 इतनी वैल्यू होगी। इसका जो आंसर आएगा उसका वापिस 4/5, ये दूसरे साल के लिए, इसका जो आंसर आएगा वापिस तीसरी बार, इसका जो आंसर आएगा वापिस चौथी बार, इसका जो आंसर आएगा वापस पांचवी बार। अब बोलोगे सर ये क्या किया, कुछ पता नहीं चला, समझाता हूँ। ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये ओरिजिनल वैल्यू है, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर उसका सिर्फ 20% मिलेगा, मतलब उसका सिर्फ 4/5 वैल्यू, तो ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू फर्स्ट ईयर की होगी, मान लो 100 रुपया है तो उसका 10% कम होगा तो 90 रुपीज मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 90 रुपीज का 10% कम हो जाएगा, मतलब 9 रुपीज कम, तो ये कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। फिर जो इसकी वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसका 20% कम, तो ये जो वैसे हम करते जाएंगे और उस हिसाब से हमें आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1520 रुपीज, मतलब इतनी वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर्स इतनी हो जाएगी। इसलिए कार और ये सारी चीजें होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और फाइनल आंसर, 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज।
मान लेते हैं x नंबर ऑफ डेज में 150 वर्कर्स हैड टू फिनिश द जॉब, मतलब फोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन सेकंड डे, दूसरे दिन चार चले गए, फोर वर्कर्स मोर ड्रॉप डाउन ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन चार और चले गए, बराबर है। तो एक बात समझो कि भाई टोटल वर्क कितना हुआ, 150x, क्यों 150x, 150 वर्कर्स को x दिन में काम खत्म करना था, तो टोटल वर्क 150 इंटू एक्स हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वर्क क्या हुआ, पहले दिन 150 वर्क हुआ, दूसरे दिन चार चले गए मतलब 146 हुआ, तीसरे दिन चार और चले गए 144 हुआ, बराबर है, ऐसे और चले गए। ऐसे देखने गए तो 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, कितने लगे 8 दिन एक्स्ट्रा, तो प्लस 8 दिन एक्स्ट्रा मतलब x प्लस 8 टर्म्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। ये जनरली काम कितने दिन में हमें कंप्लीट करना था, x दिन में, x दिन में 150x वर्क हुआ, बट हर एक दिन ये देखो, ये पहला दिन, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ऐसे 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 और कितने दिन हो जाएंगे अप टू x प्लस 8 डेज, इतना काम हुआ। बट हमारे पास टोटल वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 150x दिया हुआ है। अब ये जो आप देखोगे, ये क्या बना आपका, एपी बना, इस एपी के नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस 8 मतलब x प्लस 8 बाय 2, 2 फर्स्ट टर्म कितना है 150 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस 8 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 4। बेटा समझ में आया, 8 दिन ज्यादा लगेंगे, ओरिजिनल x दिन में कंप्लीट होना था तो 150 इंटू x, अब 8 दिन ज्यादा लगे मतलब 150 प्लस 146 प्लस 144, x दिन की जगह पे x प्लस 8 डेज, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे x प्लस 8। तो आप बोलोगे सर ये कंपेयर क्यों किया इन दोनों को, तो टोटल वर्क तो उतना ही रहेगा, जो अगर मान लो एक भी वर्कर कम निकलता नहीं तो 150x वर्क होता, बट एक एक निकलता जा रहा है, चार चार निकलते जा रहे हैं, तो इतना वर्क होगा, हर एक दिन चार चार वर्क कम होगा, समझ रहे हो। या टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मान लो ना, पहले दिन 150 वर्कर्स, दूसरे दिन 150 वर्कर्स, तीसरे दिन 150 वर्कर्स, तो x दिन में 150x वर्कर्स, पहले दिन 150 वर्कर्स, दूसरे दिन चार के लेकर 146, ऐसे 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 होते रहेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150x is equal to x plus 8, अब देखो 2 इधर से भी निकलेगा, 2 इधर से भी निकलेगा, तो इसके साथ कट हो गया, तो यहाँ पे बचा 150, यहाँ पे माइनस 2 बचा, माइनस 2 into x, माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 2 बचा, माइनस 8 माइनस 1 is 7, तो माइनस 2 into 7, माइनस 14, so 150x is equal to x plus 8 into 150 minus 14 कितना होता है, 150 minus 14 होगा 136 minus 2x, अब इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो, so 150x is equal to x plus 8 into 2, और वहाँ पे कितना बचेगा, वहाँ पे बचेगा आपका 168 minus x, तो ये 2 और ये इसको कट कर देंगे 75, 75x is equal to 68x plus 8 into 68 is 544 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू जीरो, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू माइनस 32, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें ये काम कंप्लीट हुआ वो कितना था, x प्लस 8, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म, सप्लीमेंट्री एक एक्सरसाइज है, वो 10 मिनट की भी नहीं है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ऐसा होगा, तो ऐसा सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आगे के चैप्टर्स की बाकी है, तो वो जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे तो उसमें मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।